एडजस्टमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, बैटर 600 बैटर्स हो गया, यानी 600 डूब गए। अब ये बताओ कि जो पैसे डूब गए, जो पैसे बैटर्स हो गए, वो डेटर में सिर्फ डूबे कि कैरेक्टर्स में से डूबे? जो 600 डूब गए वो डेटर में से डूबे, क्यों कैरेक्टर्स में से क्यों नहीं डूबे? कैरेक्टर तो हमको देना होता है, उनमें से ही डूबेंगे, डूबना है तो डेटर में से डूबेंगे, है ना। अब इसका ड्यूअल इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ड्यूअल इफेक्ट होना ही होना है। तो क्या करेंगे जरा समझ लो, मान लो क्वेश्चन में डेटर्स दिए हुए हैं, कि वैसे बताओ तो क्वेश्चन 4 में दिए कितने हुए बताई दो, क्वेश्चन 4 में डेटर्स कितने दिए हुए हैं? कितना? 20,600 के डेटर्स दिए हुए, उनमें से 600 डूब गए, तो किस नाम से माइनस करेंगे? लेस बैड डेट्स के नाम से। कितना माइनस करेंगे? 600 माइनस कर दिए तो बाकी डेटर्स कितने बचे? बाकी डेटर्स 20,000 बचे। अब वो जो 600 डेटर में से माइनस किए, इसका सेकंड इफेक्ट सोचेंगे, डूब गए कहाँ आना चाहिए? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो देखो तो क्वेश्चन में पहले से बैडेस दिए हुए हैं क्या? Yes, sir. पहले से क्वेश्चन में बैडेस दिए हुए हैं क्या? देखो तो अगर पहले से बैडेस दिए होते तो उसमें प्लस करके हम लिख देते हैं, पहले से नहीं दिए तो इसी को सीधे बाहर लिख दिया हमने। पहले से बैडेस दिए होते ट्रायल बैलेंस में तो उसको अंदर लिखते, उसमें 600 ये वाले भी प्लस हो जाते, ट्रायल में पुराने बैडेस है ही नहीं, तो यही वाले जो एडजस्टमेंट वाले थे वही प्रॉफिट लॉस में लिख दिए हमने। तो क्या पॉइंट 3 समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. सभी को 3 पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. लास्ट वन स्टूडेंट, अरे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सुना कहाँ हो गए थे? क्वेश्चन 4 का 3 पॉइंट कर रहे हैं हम। यस भाई, कौन सा पॉइंट कर रहा है? सुन लो, अच्छा तो हम तो नई बुक से बता रहा हूँ मैं, तो पॉइंट यही चल रहा है तुम्हारा भी। अब 4th पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5%, 5% डाउटफुल है। 600 तो बैटर्स हो ही गए थे, डेटर में से 600 बैटर्स के बाद जो बाकी बच्चे तो कितने बच्चे थे? 20, उसमें से 5% डाउटफुल है। क्या है 5%? 5% क्या है? डाउटफुल है। तो बचे हुए 20,000 का, बचे हुए 20,000 का 5% कितना होता है? 1000 माइनस करके बाहर कितना लिखूं? 19,000, है ना। यहाँ तक एग्री हो? Yes, sir. तो एक है डाउटफुल है, डाउटफुल है मतलब लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस। जो 1000 है वो डाउटफुल है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो एक है हमारा लॉस है, इसकी सेकंड एंट्री अभी बताऊंगा। पहले ट्रायल बैलेंस में देखो तो पीडीडी दिया हुआ है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। अगर होता तो क्या करते बाद में बताऊंगा, होता तो क्या करते वो बाद में बताऊंगा, एक और एग्जांपल लूंगा उसके लिए। फिलहाल ये जो 1000 डाउटफुल है जो हमने डेटर में से माइनस किया है, ये हमारा लॉस है। अगर लॉस है तो कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट में आएगा। कितना आएगा? ये आ गया 1000। चलो आगे, चलो बेटा आगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी पीडीडी वाले पॉइंट को अभी एक दो एग्जांपल से और समझाऊंगा। जो अभी हमने पॉइंट लिया ना बैड डेट्स का 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसी पॉइंट को अभी और समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आधा पॉइंट और ढूंढते हैं अपन। सभी लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसका पॉइंट नंबर 4th पढ़ो। सभी लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसका पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ो? 4th पढ़ो।
तो फोर्थ पॉइंट है राइट ऑफ रुपीज 500 एज डेटर्स, राइट ऑफ खत्म कर दो, खत्म कर दो, मिटा दो, सबका एक ही मतलब है। राइट ऑफ कर दो मतलब हटा दो अकाउंट में से, खत्म कर दो, मिटा दो 500 रुपए, काय के 500 मिटाओ, बैटेंस के डूब गए, तो काय में से डूबे, डेटर में से। पहले बताओ ट्रैवलिंग में डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 500 पे डूब गए वो डेटर में से डूबे, तो डेटर का अमाउंट बताओ, 48,000 इसमें से कितने डूब गए, तो 500 बैड डेज के नाम से कर दे माइनस, 500 बैड डेज के नाम से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस करके क्या बचेगा, 3900 बाकी बच गया। अब ये जो बैड डेज हो गए, जो डूब गए, जो डेटर में से माइनस किए, ये और कहाँ आएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। अच्छा ट्रैवल देखो, ट्रैवल में देखो पहले से बैड डेज दिए हुए हैं क्या, कितने दिए हुए, तो जो 600 बैड डेज हो गए ना, जो हमने अभी डेटर में से माइनस किए, 600 जो बेड डेज हो गए थे, सॉरी 500 जो बेड डेज माइनस किए थे, इसको और कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। अच्छा ट्रैवलर्स में पहले से बेड डेज दिए हुए हैं क्या, कितने दिए हुए, तो पहले तो प्रॉफिट लॉस में पुराने वाले बेड डेज 1000 लिख दिए, और जो नए वाले हैं वो एड फर्दर के नाम से, एड फर्दर या एड न्यू के नाम से प्लस कर देंगे, एड न्यू या फर्दर, और टोटल बेडेस हो गया 1500। एग्री हो, फाइव एड्रेस में दिया हुआ है कि राइट आप बेडेस रुपीज 500, 500 रुपए डूब गए, डूब गए तो हमने डेटर में से माइनस किए, और इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आके पहले गिवन बेडेस में जोड़ के लिख दिए, आगे चलने के पहले यू। अभी देखते नहीं, मैंने कब सिखाया ऐसा, नहीं क्योंकि जो तुम बेटा बोल रहे हो ना वो पॉइंट गलत नहीं, वो करेक्ट है, पर बहुत उलझाएगा, इतना लंबा जाके क्यों चल रहे हो, सीधी सीधा पॉइंट चल रहा है, क्यों इतना घुमा के करना, इसे एक दूसरी मेथड से आंसर दिया, तो मैं आपको बता नहीं हूँ क्यों याद रह जाएगी फालतू में, तो बात सीधी चले तो सीधे ही चलने दो ना, उसमें उलझोगे बेटा, बहुत जगह उलझोगे उसके अंदर, तो ये समझ आ रहा है कि जो जिस मेथड में सिखा रहा हूँ, तो इसी से चलने दो, है ना। तो अब डेटर्स बाकी कितने बचे देखो, तो 39 बाकी बच गए। अब इनके बारे में आगे और कुछ दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट में आगे भी पढ़ो, एंड के आगे, एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज, बोला है कि 5% डाउटफुल डेज भी है, 5% डाउटफुल है, एंड क्रिएट करो प्रोविजन, यानी मान के चलो, क्रिएट करो प्रोविजन, एक प्रोविजन बनाओ, यानी मान के चलो, क्या मान के चलो कि डाउटफुल है, कितने डाउटफुल है, 5%, तो जो बाकी बचे हुए डेटर का 5% डाउटफुल है, बचे हुए डेटर का जो 5% डाउटफुल है उसको प्लस करे कि माइनस करे, माइनस, तो लेस किस नाम, डाउटफुल किस नाम से माइनस होता है, आउटपुट पीडीटी के नाम से माइनस होता है, तो 39,500 का 5% निकालो तो 1975 माइनस कर देते हैं, तो डेटर में बाकी क्या बचेगा, डेटर में बाकी क्या बचेगा, 37,525 बाकी बचेगा, एग्री। अब जो ये डाउटफुल है ना 1975, ये जो डाउटफुल है 1975, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, माइंड में रखना कि लॉस है। अब ट्रैवलेंस में पढ़ो तो पीडीडी दिया है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है क्या, 800 दिया है, जो ट्रैवलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है उसका मतलब हमने पहले प्रोविजन बना रखा है 800 रुपये, हमने 800 रुपए पहले प्रोविजन बना के रखा है, और अभी कितने हमारा प्रोविजन होना है, तो और कितना बनाना पड़ेगा,
देखो हमारा डाउटफुल है 1975, इसके अगेंस्ट में 800 रुपए का प्रोविजन पहले ही बना हुआ है, तो अब माइनस करके और बनाना पड़ेगा, मतलब उतना पीएनएल में लिखना पड़ेगा। रिपीट डेटर में से अब कितने डाउटफुल निकल रहे हैं? 1975। इसके अगेंस्ट हम पहले ही प्रोविजन बना चुके हैं, कितना? 800। तो 800 पहले बन चुका है, उतना पहले लास्ट में लिखा जा चुका है। अब और कितना लिखे? डिफरेंस यानी कि 1975 माइनस 800 माइनस 800, तो ट्रायल्स में आएगा 2PDD 1975 लेस ओल्ड प्रोविजन कितना है? 800। बाकी का लिखेंगे बाहर। सुनते रहो ना बेटा, पहले सुन तो लो ना बेटा, पहले से क्लास क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो हमारा डाउटफुल कितना है बेटा? हमारा डाउटफुल कितना आ रहा है? और इसके अगेंस्ट पहले ही प्रोविजन बन चुका है, पहले के इयर्स में हम लास्ट में ऑलरेडी लिख चुके हैं कितना? 800 लिख चुके, जबकि डाउटफुल कितना है? 1975। तो अब और कितना डाउटफुल में लिखे? माइनस करके जो डिफरेंस आता है यानी 1175, यानी कि 1175। एग्री हो? Yes, sir. हाँ, अकेला ये पूछेगा सर, पहले भी तो डाउटफुल हो सकते थे और अभी भी डाउटफुल। हाँ, तो पहले कितने डाउटफुल थे? 800। तो उतना 800 पहले लास्ट में लिख चुके थे, उस समय हमारा डाउटफुल 800 था, 800 का प्रोविजन बनाया था। जब अभी हमने देखा तो कितना डाउटफुल आया? 1975। तो और कितना लास्ट में लिखे हम? 1175। अब और लिखेंगे, 800 पहले के ईयर्स में लिख चुके हम। एग्रीड। फिर इतना समझ में आया तो फिर आगे बढ़ूंगा। ऐसा हो तो क्या, वैसा हो तो क्या, वो अभी मत पूछना, पहले जो समझा है उसी में पूछो बस। आपने तो बताया था जितना वो पुराना रहता है वो जितना बच जाता है। हाँ, वैसा भी बोल सकते, वो भी बात वही है, बोलने का तरीका बदला है। इसने कहा एक और ढंग से बात बोली, वो सुनना इसने क्या बोला। ऐसे कहा जो ट्राइबल में दिया हुआ है 800 रुपए, वो क्या चीज है? तो इसने बताई, भाई देखो पहले के इयर्स में हमने कोई प्रोविजन बनाया होगा, जितना भी बनाया होगा उतना हमने लास्ट में लिखा होगा। पूरी तरह मेरे ऊपर फोकस हो जाओ सब जने, इस बच्चे ने क्या बात बोली वो समझाऊंगा मैं। हमने पिछले ईयर में एक प्रोविजन बनाया होगा, चाहे जितना भी हमने प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेज में से, उसमें से जितने डूब गए वो हमने एडजस्ट कर लिए। और अभी भी ट्रायल में 800 रुपए प्रोविजन रखा हुआ है, मतलब वो जो अपने प्रोविजन बनाया था उसमें से 800 बच गया प्रोविजन, यानी उतनी हमारी इनकम हो गई। भाई ट्रायल में प्रोविजन कितना दिया हुआ है? 800 दिया है। तो मैंने उसके दो ढंग से समझाया, पहले तो जो मैंने समझाया वो वापस रिपीट कर देता हूँ, फिर इस बच्चे ने क्या बोला वो समझा दूंगा। तो मैंने यूं कहा कि भाई 800 हम पहले ही प्रोविजन बना चुके, लास्ट में लिख चुके, अब हमारा प्रोविजन अभी कितना आ रहा है? 1975 आ रहा है, तो हमको 1175 लास्ट में और लिखना पड़ेगा, है ना? हमने लिख दिया। अब इसी बात को दूसरे ढंग से समझते हैं, पिछले साल हमने कोई प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेज के लिए, तो जितना भी हमने बनाया होगा इस साल, जितना उसके अगेंस्ट, उस अमाउंट के अगेंस्ट जितना इस साल डूब गया उतना हमने उसमें से एडजस्ट कर लिया होगा। जो बचा वो 800 ट्रायल्स में दिया हुआ है, तो ये 800 क्या है कि जो पिछले साल डूब रहे सा, जो डाउटफुल था वो डूबा ही नहीं, तो ये हमारी इनकम हो गई 800 रुपए। और इस साल कितना डूब रहा है? 1975। एक तरफ इस साल 1975 डूब रहा है, दूसरी तरफ वो 800 डूबते डूबते बच गया, फाइनली हम प्रॉफिट में एक ही लास्ट में। एक तरफ 800 टाइबल में दिए हुए हैं जो हमारी इनकम है, दूसरी तरफ नया प्रोविजन हम बना रहे हैं 1975 का, तो फाइनली हम प्रॉफिट में एक ही लास्ट में। कितने लास्ट में? वही लिखा, देख लो 1175 लास्ट में हमने वही लिखा, वही का वही लिखा। तो एक ही बात है, दोनों दो अलग अलग ढंग से समझ रहे, बात वही है, देख लो, है ना? अब एक बच्चा क्लास क्वेश्चन कर रहा है, सुन लो। डेबिट साइड में दे रखा है ना सर? डेबिट में सही दिया है बेटा, ट्रायल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज कभी भी डेबिट में नहीं दिया रहेगा,
दिया ही रहेगा तो क्रेडिट में दिया रहेगा। तो ट्रायल में जब दिया रहता है कहाँ दिया रहता है, कहाँ दिया रहता है, हमेशा ही कहाँ दिया रहता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कैसे दिया होता है जरा सुन लो, अगर ट्रायल्स बना के दिया है यानी कि अगर डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके दिए हुए तो आपको पीडीडी ट्रायल्स पे हमेशा क्रेडिट में ही मिलेगा, और या फिर आपको सभी चीजें मिक्स करके दी होगी, जैसे क्वेश्चन कौन सा है ये वाला फिफ्थ, तो फिफ्थ उन्होंने ट्रायल्स कहाँ बना के दिया है, डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके कहाँ दिए, सब चीजें मिक्स करके दिए उन्होंने, उसमें डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके थोड़ी दिया हुआ है, सब मिक्स है, तो आप बोल नहीं सकते कि ट्रायल्स वो डेबिट में दिया हुआ है पीडीडी, एग्रीड वो क्रेडिट है, एग्रीड तो क्रेडिट में ही मिलेगा हमेशा, क्रेडिट में जो रहता है बेटा पीडीडी तो इनकम, ट्रायल में जो पीडीडी वो क्या है, हमारी इनकम है, अगर इनकम है तो कहां देना चाहिए, एग्री हो yes, सभी एग्री हो yes, चले आगे yes, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अभी ये जो पीडीडी वाला पॉइंट है ना, दो क्वेश्चन के थ्रू समझा, पहले कौन से क्वेश्चन में समझा था, फोर्थ में, अभी कौन से में समझा, अब मैं फिफ्थ वाले को भी हटा देता हूं, अब एक और क्वेश्चन में इसी पॉइंट को समझेंगे हम। अच्छा अरे रुक जाना रुक जाना, अभी नहीं, अभी अभी ये पॉइंट भी और चल रहा था, तो वे आगे पढ़ो फोर्थ पॉइंट में, अभी आगे भी पढ़ो, अल्सो क्रिएट मिला फोर्थ पॉइंट में, अब आगे का पॉइंट पढ़ रहा हूं, अल्सो बेटा क्वेश्चन फाइव उसका एडजस्टमेंट फोर्थ आगे पढ़ रहा हूं, पढ़ने के पहले मैं रुक गया 19.64 पेज पर है। तो हम पढ़ रहे थे अल्सो क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2%, जो बाकी के डेटर्स बच गए ना, जो बाकी के डेटर्स बच गए ना, जरा देखो तो बाकी डेटर्स कितने बचे, 37,525, इसमें रिजर्व बनाना है डिस्काउंट का 2%, रिजर्व काय का बनाना है, डिस्काउंट का, कितने परसेंट बनाना है, 2%। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बाकी के पैसे लोग हमको देने आएंगे, बचे हुए पैसे लोग जो हमको देने आएंगे 37,525, वो भी कोई ईमानदारी से देने वाले नहीं है, उनमें से कुछ लोग तो आ ही जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, डिस्काउंट मांगेंगे, सभी नहीं मांगेंगे, कुछ लोग मांगेंगे, तो भाई इस अमाउंट का कितने परसेंट डिस्काउंट माने, 2%, 2% डिस्काउंट देना ही है, ये मान के चलो, यानी उसके लिए रिजर्व बना के चलो, ये है इस पॉइंट का मतलब। तो बात फिर से समझेंगे, हमारे डेटर्स ओरिजिनली कितने थे, हमारे डेटर्स ओरिजिनली कितने थे, उसमें से 500 तो डूब ही गए, मिलने का कोई चांस नहीं है, हमने माइनस कर दिए, बाकी डेटर्स कितने बचे, यानी बाकी डेटर से लेना है 39,500, उनमें से भी 5% डूबने के चांस है, 5% डूबा नहीं, डूबने का चांस है, तो हमने उतने का प्रोविजन बना लिया, उतना और हमने लॉस में लिख दिया। अब डेटर से कितने मिलेंगे, 37,525, लेकिन ये लोग भी जब पैसा देने आएंगे ना, तो ये लोगों में सिर्फ कुछ कुछ लोग डिस्काउंट मांग ही लेंगे, मतलब कुल मिलाकर इसका 2% डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो माइनस करूं कि प्लस, माइनस करूं कि प्लस, माइनस, तो लेस डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 37,525 का कितने परसेंट, 2%, वो होता है 750 रुपीज 50 पैसा, तो 750 रुपीज ले लो चलेगा, 751 ले लो तो चलेगा, 0.5 है तो 1 रुपया बढ़ा लेते हैं अपन, यानी 751 कर लेते हैं, ठीक है, 751 माइनस करके बाहर लिख देते हैं, 37,525 माइनस 751। अब ये जो डेटर्स को डिस्काउंट देना है, इसका रिजर्व बनाया, इसका सेकंड एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, डिस्काउंट का रिजर्व बनाया, इसका सेकंड एस्पेक्ट, ये लॉस से की प्रॉफिट, ये लॉस से की प्रॉफिट, लास्ट वन, 750 रुपए डेटर्स को डिस्काउंट देना है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना बेटा, पक्का ना
डेटर्स को डिस्काउंट देना है, इसका रिजर्व बनाया है, ये लॉस है की प्रॉपर्टी है, अगर लॉस है तो कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना? 351, ये लिख दिया, ठीक है। तो पीडीडी वाला पॉइंट हमने क्वेश्चन 4 में समझा, 5th में समझा, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो एक दो बार और समझा दूं? यस सर। क्योंकि अभी मेरे को मालूम है तुम अभी भी गलती करोगे, समझाऊं? यस सर। बेटा मेरे को मालूम है कि अभी भी नहीं आएगा, तुम सबको लगा, तो बच्चों को तो लगता है कि आ गया, पर मैं भी तो सेटिस्फाई हूं ना, एक बार मेरे लिए। यस सर। तो खुशी से बोलो ना, यस सर। तो चलो आगे, दो तो खुशी है ही नहीं हमारी क्लास में, कैसे उससे बोलो? अरे है क्या? दो दो है, दोनों खुशी हो, तो खुशियों के साथ बोलो ना भाई, हाँ। तो बता रहा हूं, एक बार क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, एक बार। तो हम यही पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल और वेडनेस वाला पॉइंट वापस से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7th में, उसके पहले एक बच्चे का क्वेश्चन है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो अभी हाल हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा था, अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हो तो वो तो उतना रिजर्व पहले ऑलरेडी बन चुका है, अभी कितना था रिजर्व फॉर डिस्काउंट? अभी रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना था? 751। अब इस बच्चे ने पूछा कि अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर ट्रायल में पहले से दिया हो तो भाई उतना पहले बन चुका है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दे के समझो। मान लो ट्रैवलर्स में रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर 500 दिया हुआ है, यानी 500 रुपए तो हम पहले ही रिजर्व बना चुके थे, लेकिन अब जब वापस से एस्टिमेट किया तो 751 आया, कितना बढ़ गया? तो डेबिट में प्रॉफिट के डेबिट में कितना लिखेंगे? 251। भाई अभी हमारा रिजर्व बन रहा है 751, जबकि पहले ऑलरेडी ट्रैवलर्स में दिया हुआ है 500, मान लो ऐसा, तो 251 बढ़ रहा है, तो पीएनएल डेबिट में 251 आएगा। ये मेरा पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल सुनो, मान लो ट्रायल बैलेंस में 851 दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर कितना दिया है? 851। तो हम 851 का पहले रिजर्व बना चुके थे, जबकि अभी कितना बन रहा है? 751। तो कितना रिजर्व कम करना पड़ेगा? 100 रुपए, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे 100 रुपया। क्लियर है? क्लियर है? एक बार बेटा एक साथ बोल रहे हो दोनों जने, तुम हाँ ऐसा ऐसा वो ऐसा पीडीडी के साथ हो गया तो वो पॉइंट में अभी दूसरे पॉइंट में लेने वाला हूँ, क्योंकि पीडीडी में ऐसा हो गया डायरेक्ट बोलूंगा ना तो थोड़ा उलझोगे, इसलिए मेरे को दूसरा पॉइंट लेना है ना, तो अभी बताऊंगा वो पॉइंट, पर उसके पहले यू सर, वो 851 में से लेस भी ला सकते हैं, वही तो किया, 851 पहले बना हुआ है, अभी 751 बन रहा है, तो 100 रुपए क्रेडिट में लिखेंगे, वही तो माइनस करके तो लिख रहे हैं हम। हाँ बेटा तुम कुछ बोल रहे थे लास्ट वन? नहीं। तो आगे, तो भाई सभी जने सुनो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7th में पीडीडी वाला पॉइंट वापस से एक बार समझेंगे हम। तो 7th क्वेश्चन में बी पॉइंट पढ़ो, राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब खत्म कर देना, तो काय के क्या खत्म करना है वो आगे पढ़ो, राइट ऑफ फर्दर रुपीज 800 एज बैड डेट, बोला है कि 1800 रुपए बैड डेट्स के है, ये मान के खत्म कर दो, मतलब कि एक्सपेंसेस में लिख दो, मतलब कि डेटर में से कम कर दो, डेटर में से 1800 खत्म कर दो, डेटर में से ही करो, ऐसा लिखा तो हुआ नहीं, मैंने अपनी ओर से बोल दिया, क्योंकि पैसे तो डेटर से लेने होते, डूबना होगा तो डेटर में से ही डूबेगा, भाई 1800 डूब गए तो काय में से डूबेंगे? डेटर में से, क्रेडिटर में से तो नहीं डूबेंगे, डेटर से लेना है इसलिए उसी में से डूबेंगे, क्रेडिटर को तो हमको देना है, 1800 काय में से डूब गए, डेटर में से डूब गए, सभी एग्री हो? yes, सभी एग्री हो? yes, तो क्वेश्चन 7 चल रहा है, जरा देखो तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने दिए हुए हैं, एक
ट्रायलों डेटे कितना दिया हुआ है? 62,800. इनमें से कितने डूब गए? 1,800. डेटेस के नाम से हम लिख देंगे 1,800 माइनस करके बाकी बचे 61,000 डेटर्स. जो 1,800 डूब गए बेटर्स हो गए, ये कहाँ जाएंगे? इसका सेकंड आस्पेक्ट क्या है? ये 1,800 जो डूब गए, जो हमने डेटर में से माइनस किए, इसका सेकंड पीएनएल डेबिट में जाएंगे. पीएनएल के डेबिट में लिखने के पहले देखो, ट्रायल में ऑलरेडी बेटर्स दिए हैं क्या? ट्रायल में बेटर्स कितने दिए? तो पहले तो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस वाले बेटर्स लिखेंगे. टू बेटर्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए, कितने दिए हुए ट्रायल बैलेंस में? 5,500 दिए हुए. ठीक है, इसमें अभी और जो डूब गए वो ऐड करेंगे. जो अभी और डूब गए वो ऐड करेंगे. ऐड फर्दर के नाम से, ऐड न्यू के नाम से, जो करना हो. कितना ऐड करना है? 1,800 दोनों मिला के बाहर लिख देंगे. कितने लिखेंगे? 6,000. दोनों मिला के बताओ 7,300. तो भाई जो 1,800 डूब गए, वो एक तो हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख दिए और डेटर में से माइनस भी कर दिए. बाकी डेटर्स क्या बचे? 61,000 बचे. अब पॉइंट आगे पढ़ो. आगे लिखा है and maintain provision for doubtful debts at 5% on debtor. Debtor में 5% और doubtful है, उतना maintain करो, मतलब उतना provision बनाओ. Debtor में 5% doubtful है, इतना provision बना के चलो. है ना, तो डेटर से बचे हुए डेटर से 61,000, इसका 5% डाउटफुल मान के चलना है. तो लेस पीडीडी कितने परसेंट? तो 61,000 का 5% 3,050 माइनस करके बाहर लिख देंगे. 3,050 माइनस करके बाहर लिख देंगे. कितना लिखूं बाहर? 61,000 में से 3,050 माइनस कर दिया. अब डाउटफुल कितना है हमारा? 3,050 हमारा डाउटफुल है. डाउटफुल है मतलब लॉस है कि प्रॉफिट है? 3,050 रुपीस जो है ये हमारा लॉस है. याद रखना कि ये लॉस है. अब ट्रायल्स में पढ़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है क्या? ट्रायल्स में पढ़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है क्या? ट्रायल्स में पढ़ो कितना दिया है. ट्रायल्स में जो 9,000 दिया उसका मतलब समझ लो. अच्छा, ये जो 3,050 रुपीस एडजस्टमेंट वाला है, ये तो हमारा लॉस है, ये तो भूलना मत बिल्कुल. इसको पहले माइंड में रख लो, इसको भूलना मत. अब जो ट्रैवलिंग में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है वो कितना दिया है? 9,000. वो ट्रैवलिंग जो दिया है वो क्या है वो समझ लो. हमने पहले के इयर्स में, पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल हमने डाउटफुल के लिए प्रोविजन बनाया होगा. जितना भी बनाया होगा उसमें से जितना डूब गया वो माइनस करके बाकी जो बच गया वो ट्रैवलिंग में दिया रहता है. और वो कितना दिया है? 9,000. है ना, फिर सुनो, जो ट्रायल्स में 9,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है वो क्या चीज है वो समझो. उसको दो ढंग से समझाऊंगा, दो अलग अलग मेथड से समझाऊंगा. वो 9,000 क्या चीज है वो समझा रहा हूँ. इस साल नहीं, पिछले साल जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे थे तब की बात है. तब हमने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया होगा, जितना भी बनाया होगा वो लॉस में लिख दिया होगा. तब से लेके आज तक उस प्रोविजन में से जितने बैड डेट्स हो गए वो माइनस कर दिए और जो बाकी प्रोविजन बच गया वो ये दिया हुआ है जो कि 9,000 है. तो यानी 9,000 पहले से प्रोविजन बना हुआ है, कहने का मतलब है ना, ये 9,000 पहले से प्रोविजन बना हुआ है. और अभी प्रोविजन कितना बन रहा है? अभी प्रोविजन कितना बन रहा है? तो 9,000 प्रोविजन पहले ही बना चुके, जबकि हमको प्रोविजन रखना है 3,050. बात फिर से रिपीट करूंगा, 9,000 पहले से डाउटफुल के लिए प्रोविजन बना हुआ है, जबकि हमको रखना है 3,050. तो हम डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन कम कर रहे हैं.
अगर कम कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है जो हमने डाउटफुल डेब्ट के लिए पहले से प्रोविजन बना के रखा है, 9000 पहले ही बना के रखा है, पिछले साल ही बना दिया था, लेकिन वो मेंटेन करना है 3050 पर, 3085 डाउटफुल मानना है, 9000 नहीं मानना है, तो डिफरेंस हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा, पीडीडी के नाम से आएगा। तो 9000 पुराना है, इसमें से माइनस करेंगे न्यू वाला, इसमें से माइनस करेंगे 5950 बाहर कितना लिखूं? 5950 हमारी इनकम हो गई। एग्रीड? यस सर। एग्रीड। अब मैंने कहा था ना कि ये पॉइंट दो बार समझाऊंगा, दूसरे एक और मेथड से समझाऊंगा, तो यही बात एक और ढंग से समझा रहा हूँ। देखो, हमने डेटर में से प्रोविजन कितना माइनस किया था? हमने डेटर में से प्रोविजन कितना माइनस किया था? पक्का? तो ये 3050 हमारा लॉस है, है कि नहीं है? उधर वो जो 9000 है ना, वो हमारी इनकम है। वो इनकम कैसे, वही समझ लो, ये पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया था डाउटफुल डेब्ट के लिए, वो जितने भी डूबने थे वो डूब गए, बाकी 9000 बच गए, डूबे ही नहीं हमारे। हमने तो लास्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख दिया था, जितना भी लिखना था उनमें जो डूब गया, बाकी 9000 डूबते डूबते बच गया, तो 9000 हमारी इनकम हुई। एक तरफ डाउटफुल डेब्ट की इनकम हो रही है 9000, दूसरी तरफ नए डाउटफुल डेब्ट हो रहे 3050। फाइनली हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं? प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो 9000 तो हमने इसीलिए प्रॉफिट में जा रहे हैं, इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया, 9000 में से 3050 माइनस करके लिख दिया। एग्रीड? यस सर। एग्रीड? यस सर। घर जाके वापस से ये पॉइंट रिपीट करना, वापस से एक बार सुनोगे ना अलग से बैठकर तो समझ में और आएगा, एक बार अभी समझा, एक बार घर जाके समझेंगे तो आ ही जाएगा। एग्रीड? यस सर। टीवी पे जाके पिन ड्राइव लगा लेना, लेक्चर रिपीट कर लेना। yes, आगे चलो, तो पीडीडी का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब वापस से हम आ जाते क्वेश्चन फोर पे जहाँ चल रहे थे, तो घूमते घूमते हम आगे पहुंच गए थे, अब फिर फोर्थ पे आ गए। तो फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट निकालो, ये बच्चों ने पूछा था, यही पूछा था ना भाई? तो क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पॉइंट है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। 11 मंथ का रेंट पे किया, इसका दूसरा मतलब होता है एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग। हमने अगर 11 मंथ का रेंट पे किया, ऐसा दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, तो इसका दूसरा मतलब है कि बाकी एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब एक महीने का रेंट कितना होता है वो सुन लो, ट्रायल बैलेंस में पढ़ो रेंट कितना दिया हुआ है, 22000। ट्रायल बैलेंस में पढ़ो रेंट कितना दिया हुआ है, पहले तो वो कहाँ लिखेंगे ये बता दो, जो ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, ये लिख दिया मैंने। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में रेंट आता है, सो मैंने वहां लिख दिया, कितना लिखा? 22000। ये कितने महीने का है? 11 मंथ। अगर 11 मंथ का 22000, 11 मंथ का 22000, तो एक महीने का कितना होगा? 22000 डिवाइड बाय 11, 2000 आएगा। तो 2000 एक महीने का रेंट होता है जो कि आउटस्टैंडिंग है। बेटा लिखा है कि 11 महीने का दे दिया, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? एक महीने का बाकी देना है। अच्छा, 11 मंथ का 22000 दिया, तो एक महीने का कितना होता होगा? 2000। तो 2000 आउटस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? आउटस्टैंडिंग मतलब कि देना है, पर ये तो बेटा 11 महीने का दे दिया ना, एक महीने का तो देना है ना, ये 11 महीने का टोटल। 11 महीने का दे दिया, तो इसका दूसरा मतलब क्या? एक महीने का देना है, है ना? एग्रीड? yes, तो एक महीने का और ऐड कर देंगे भाई, 11 महीने का दे दिया ऐसा लिखा है, इन्होंने यूं नहीं लिखा कि देना है, इन्होंने कहा 11 महीने दे दिया, तो इसका दूसरा मतलब बचे हुए एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। ऐड आउट कितना ऐड करो बेटा, समझ में आया ना तुमको? अब जो 2000 आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किए हैं, जो हमने 2000 आउटस्टैंडिंग प्लस किया, इसको और कहां लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग लाइव टीम में भी आते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइव टीम में भी आते हैं, तो लाइव टीम में आउटस्टैंडिंग रेंट
2000 लाइब्रेरी में आउटसाइड रेंट भी लिख दिया 2000 क्या सबको क्लियर है यस सर क्या सबको क्लियर है यस सर आगे चलेंगे तो क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पॉइंट चल रहा था जो आप लोगों ने पूछा था है ना अगला पॉइंट देखो और क्या पूछना है क्वेश्चन फोर में और कोई पॉइंट आउट निकाल के लाए हो सब लोग देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर 8% बैंक लोन दिया हुआ है दिया है क्या यस सर मैडम ट्रायल बैलेंस में देखो 8% बैंक लोन दिया है क्या यस सर बैंक लोन ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या yes, वो बैंक लोन जो है वो असेट की लायबिलिटी है लायबिलिटी तो लायबिलिटी में लिख देंगे 8% बैंक 8% बैंक लोन कितना लिखूं 25000 लिख दिया ये लायबिलिटी है अच्छा ये 8% का मतलब क्या इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट की रेट है बैंक लोन लायबिलिटी है सो लायबिलिटी में तो लिख तो दिया पर ये 8% जो दिया इसका मतलब क्या इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट की रेट है अब इसमें इसके बारे में पॉइंट नंबर 7th में कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन 4 ही चल रहा है 7th नंबर पॉइंट पढ़ो लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1st अक्टूबर 16 ये लोन हमने कब लिया था 1st और 16 को और क्वेश्चन कब तक बनाना है मतलब ये ईयर कब तक चल रहा है 31 मार्च 17 तक चल रहा है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि हमको ईयर एंड करना है 31 मार्च 2017 को अब हमारा सेशन चल रहा है मार्च 17 तक हमने लोन लिया था अक्टूबर 16 में तो अक्टूबर 16 से मार्च 17 तक 6 मंथ होते तो 25000 पर 8% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होता है 4000 फिर से निकालो प्रिंसिपल अमाउंट 25000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टाइम 6 मंथ इंटरेस्ट निकालो 1000 तो भाई सब लोग ध्यान देके सुनो 1000 पे इंटरेस्ट बन रहा है क्या yes, कितना आया इंटरेस्ट कितना आया 1000 नहीं आया 25000 into 8/100 into 6/12 ये 1000 आएगा अब तुम कैलकुलेशन बाद में करते रहना तो 1000 पे इंटरेस्ट होता है अब इस 1000 में से कितना इंटरेस्ट दे दिया वो आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा ट्रायल बैलेंस में ढूंढो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8% ट्रायल बैलेंस में ढूंढो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है भी कि नहीं है नहीं है ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया ही नहीं हुआ है नहीं दिया हुआ तो हमने पेमेंट कुछ भी नहीं किया है पूरा ही आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो कितना आया 1000 अच्छा ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है नहीं मतलब पूरा का पूरा 1000 आउटस्टैंडिंग है मान लो ट्रायल बैलेंस में 800 दिया होता तुम तो बाकी 200 आउटस्टैंडिंग होते बाकी 200 मान लो ट्रायल बैलेंस में 1200 दिया हुआ है तो 200 प्रीपेड हो जाता अगर ट्रायल में 800 इंटरेस्ट दिया होता और हमारा इंटरेस्ट 1000 बन रहा है तो 200 आउटस्टैंडिंग बनता अगर ट्रायल में 1200 दिया होता तो 200 प्रीपेड बनता पर ट्रायल में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पूरे 1000 ही आउटस्टैंडिंग हो गए अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है कि असेट है लायबिलिटी है 1000 इंटरेस्ट तो लायबिलिटी में आएगा और लिखने का तरीका लोन में ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 125 लोन अमाउंट है उसमें 1000 प्लस किया तो 26000 हो गया एग्री हो यस सर एग्री हो यस सर आगे बोलो यस सर आगे बोलो यस सर अच्छा वो जो 1000 हमने इंटरेस्ट ऐड किया ना अभी लायबिलिटी में लोन में इसका सेकंड एस्पेक्ट बताओ पीएनएल अकाउंट के डेबिट में भी आएगा पीएनएल के डेबिट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखूं 1000 ये लिख दिया तो लाइफ हर चीज का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना लायबिलिटी है 1000 तो लायबिलिटी में लिखा भी हमने ये लिखा देखो और साथ में ये हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए एक्सपेंसेस में भी लिखा है ना अच्छा अब देखो इस बच्चे ने पूछा सब पर ये तो हमारी लायबिलिटी है हमने सुना इसका मतलब क्या
इस पॉइंट का मतलब क्या, ये तो हमारी लाइफ टी है, इसे तब जाके पूछा जब मैंने पूरा पॉइंट समझाया, उसके बाद इस पॉइंट का मतलब क्या, टोन को भी पकड़ो वर्ड को भी पकड़ो। वो खोया हुआ था, पता ही नहीं है कि पॉइंट मैंने समझा भी दिया, और मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाके सुनना तो मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मालूम पड़ जाएगा कि सोए हुए थे, मतलब आंखें जग रही थी, देख मेरे को रहते, पर ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है, पर ध्यान दो। बोलूं आगे, तो पॉइंट नंबर कौन सा था, फिफ्थ हो गया। उसके बाद में सेवंथ पॉइंट पढ़ो, इसमें डाउट है क्या, सेवंथ पॉइंट में डाउट है क्या? मैंने अपनी ओर से बोल दिया, ये तो नहीं है किसी को भी भाई। क्वेश्चन फोर में कोई डाउट बच गया किसी का? हाँ बेटा बोलो। बैंक इंटरेस्ट हमको देती है, जब बैंक हमको इंटरेस्ट देती है तो वो इनकम होती है, तो वो प्रॉफिट से क्रेडिट में आता है, और अगर मिलना बाकी है तो फिर असेट में भी आता है ना। तो अभी तो लोन पे हमको देना है, पर बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, असेट में अक्योर्ड आता है। अक्योर्ड यानी क्या? मिलना बाकी है। अक्योर्ड मतलब क्या? मिलना बाकी। अगर मिलना बाकी है तो असेट हुई, असेट में लिखेंगे। अच्छा, मिलना बाकी है तो इनकम की एक्सपेंसेस, इनकम तो अक्योर्ड, फिर इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में भी आएगा। ये तो अक्योर्ड हो गया। अब अनअक्योर्ड सुन लो। अक्योर्ड का मिलना मतलब मिलना बाकी, तो अनअक्योर्ड का मतलब क्या? देना बाकी। और अनअक्योर्ड मतलब देना बाकी है, तो असेट की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखेंगे, तो लायबिलिटी में लिखेंगे। वैसे अनअक्योर्ड मतलब देना बाकी नहीं होता है, अनअक्योर्ड मतलब एडवांस मिल गया। मैं गलत बोल गया था, अनअक्योर्ड का मतलब, अगर अक्योर्ड का मतलब मिलना बाकी है तो अनअक्योर्ड का मतलब एडवांस में मिल गया। अगर एडवांस में मिल गया तो असेट की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखेंगे, और इनकम में से माइनस भी करेंगे, इनकम में से, क्योंकि वो अगले साल की इनकम है ना, एडवांस है ना अगले साल की, तो माइनस भी करेंगे। तो रिपीट रिपीट, अनअक्योर्ड लायबिलिटी में तो आएगा, और क्या होगा? इनकम में से माइनस। अब इनकम में से कहां से माइनस करेंगे? पीएनएल के क्रेडिट में माइनस करेंगे। पीएनएल के क्रेडिट में काय में से माइनस करेंगे, जो भी होगा। अगर अनअक्योर्ड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट रिसीव में से माइनस करेंगे। अगर अनअक्योर्ड रेंट है तो रेंट रिसीव में से माइनस करेंगे। जिस इनकम से कनेक्टेड है उस इनकम में से पीएनएल में माइनस करेंगे। वो वाली इनकम पक्का है कि दी ही होगी, नहीं तो अनअक्योर्ड कहां से आता? हाँ बेटा, अनअक्योर्ड मतलब हमको एडवांस में मिल गया, एडवांस में मिल गया मतलब लायबिलिटी हुई, लायबिलिटी में लिखेंगे, और साथ में ये इनकम साइड में मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में से वहां पे रिस्पेक्टिव इनकम में से माइनस कर देंगे जिससे कनेक्टेड है। एग्रीड एग्रीड। आगे सुनो, अक्योर्ड हो गया, अनअक्योर्ड हो गया, अब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी है तो लायबिलिटी की असेट, लायबिलिटी में लिखेंगे। अच्छा, देना बाकी है तो इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग या पीएनएल, ट्रेडिंग या पीएनएल जहां से भी कनेक्टेड हुआ वहां जाके प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में, डेबिट में प्लस होगा ट्रेडिंग में या पेन में, जिससे कनेक्टेड होगा, वेजेस से रेंट से जिससे कनेक्ट हुआ उसमें जाके प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी आता है, ठीक है। अब आते हैं प्रीपेड पे। प्रीपेड मतलब एडवांस में दे दिया। अगर एडवांस में दे दिया तो असेट की लायबिलिटी, तो असेट में लिख देंगे प्रीपेड को, असेट में लिखेंगे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड है, पेड है तो इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है, तो फिर डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में जाएगा। अच्छा, प्रीपेड है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीपेड माइनस होगा। भाई बेटा, बेटा प्रीपेड है मतलब जितना भी पेमेंट किया है उसमें से प्रीपेड वाला पार्ट अगले साल का है, यानी माइनस होना है। एग्रीड एग्रीड, तो कर लोगे? yes, कर लोगे? हाँ बेटा, हाँ बेटा, भाई एक लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर लेक्चर ओवर कर, बस एक ही पॉइंट बस, क्योंकि वो तो यूँ तो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, लेट होते जाएंगे, क्लास काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग ध्यान देके सुनो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वाला पॉइंट।
इंटरेस्ट एंड कैपिटल वाला पॉइंट सुनो, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल बिजनेस के प्रोपराइटर को दिया जाना है, बिजनेस के एंगल से सोचते जाना, बिजनेस के एंगल से सोचना। इंटरेस्ट एंड कैपिटल बिजनेस के प्रोपराइटर को दिया जाना है, तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल बिजनेस के प्रोपराइटर को दिया जाना है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुआ, एक्सपेंसेस हुआ तो पीएनएल अकाउंट में कहां आना चाहिए, डेबिट में, यानी इंटरेस्ट एंड कैपिटल पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है। अच्छा, प्रोपराइटर को देना है ये पैसा, देना है तो उसकी कैपिटल में, उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे, यानी इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बोलो। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग प्रोपराइटर से लिया जाना है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग प्रोपराइटर से लिया जाना है, तो बिजनेस के लिए इनकम हुई, बिजनेस के लिए इनकम हुई, अगर इनकम हुई तो पीएनएल अकाउंट में कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, यानी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आती है। एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये, जैसे ड्राइंग कैपिटल में माइनस होती है वैसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, एग्रीड। तो कंक्लूजन में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आती है एंड लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस होती है, एग्रीड। अब एक पॉइंट और समझ ही लेते भाई, और उसके बाद अगला पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा क्लास खींचती जा रही है, बस अभी नहीं, तो मैं पूरा पिछला पॉइंट बताने में गलती कर दी ना बेटा मैंने, छोड़ो उसको भी फिर। नहीं, ये इसमें इससे कनेक्ट है। बोलो। प्रोपराइटर से जैसे पैसा नहीं मिलता, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ऐसे क्योंकि पैसा नहीं मिलता। एक मिनट, बेटा एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलो बेटा। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एसेट्स होगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एसेट थोड़ी होती है, एसेट का मतलब क्या होता है, पैसे मिलना बाकी, तो ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग के पैसे मिलना सॉरी है, वो कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। प्रोपराइटर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है ना, इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा उससे लेना है तो अलग से थोड़ी देगा हमको, कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे। रिपीट, इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इंटरेस्ट ड्राइंग हमारे असेट होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि भाई असेट का मतलब पैसा लेना है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग के पैसे लेना थोड़ी है, ये तो जो प्रोपराइटर है उससे लेना है तो उसके कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे, जो उसकी कैपिटल लगी हुई उसी में से कम कर लेंगे, अलग से थोड़ी वो देगा हमको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के पैसे, इसलिए वो असेट में नहीं आएंगे, वो कैपिटल में से माइनस होंगे। एग्रीड, एग्रीड। तो पॉइंट तो बहुत सारे, पर अगले सेक्शन में, ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। yes,